हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज की भजिया यानी कि पकौड़ी। उसके लिए हमने बहुत महीन महीन प्याज काट ली है और इसमें सोवा और हल्दी हमने डाल दिया है और इसमें हम हरी मिर्ची भी काट के डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम नमक भी मिला देंगे और इसको अभी हम बेसन नहीं डालेंगे, इसको हम हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, बेसन हमने चाल करके रख लिया था। अब इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छा मिक्स करेंगे, पानी एक बूंद नहीं डालना है। ऐसी भजिया बहुत अच्छी बनती है बम्बई स्टाइल में। अगर पानी की आवश्यकता होगी तो थोड़ा बहुत डालेंगे, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने पानी नहीं डाला है, प्याज जो है पानी छोड़ देती है। देखिए देखिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए पानी हमने नहीं डाला है, इसको अच्छे से हमने सान करके रख लिया है। अब हम 5 मिनट बाद इसको पकौड़ी बनाएंगे। तेल देखिए हीट हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। छोटी छोटी हम डालेंगे, इसी तरह सारी हम डाल देंगे पकौड़ी तेल में। तो देखिए हम इसी तरह उलट पलट लेंगे। देखिए पकौड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे। तो देखिए इसी तरह हम सारी पकौड़ी निकाल लेंगे। अब हम दूसरी भी इसी तरह डालेंगे। तेल को थोड़ा और हीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फ्लेम को कम करेंगे। तो देखिए सारी पकौड़ी हमने बना लिया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो पकौड़ी सारी भजिया देखिए हमने सर्व कर दिया है। देखने में इसका कलर कितना अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। दोस्तों आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।